मॉर्निंग बच्चों, नवभारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको स्वर्ण बाधित बालकों के बारे में बताऊंगी। स्वर्ण बाधित बालक वो बालक है जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की श्रेणी में आते हैं। कौन से बालकों की श्रेणी में आते हैं? विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की श्रेणी में आते हैं। कौन से बच्चे? CWSN श्रेणी के जो बच्चे हैं वो बालक किसके अंतर्गत आते हैं? वो स्वर्ण बाधित बालक के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है बच्चों की, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक है इनको विशिष्ट सुविधाओं की, विशिष्ट उपकरणों की, विशिष्ट शिक्षण विधियों की, विशिष्ट कौशलों की, इन सब की क्या होती है बच्चों? आवश्यकता होती है। और इसकी आवश्यकता के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम स्वर्ण बाधित बच्चे कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्रियाकलाप करते हैं, स्वर्ण बाधिता के कारण क्या है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, स्वर्ण बाधित जो बालक है वो किसे कहेंगे? जो बच्चे सुन नहीं सकते, जिनको सुनने में कठिनाई अनुभव होती है, जो बच्चे ऊंचा सुनते हैं वो बच्चे स्वर्ण बाधित बालकों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे बालक स्वर्ण बाधित बालक कहलाते हैं। अब बात आती है बच्चों कि स्वर्ण बाधित बालकों को आप कितने भागों में बांट सकते हो? तो स्वर्ण बाधित बालकों को दो भागों में बांट सकते हो। पहला है पूर्ण स्वर्ण बाधित और दूसरा है आंशिक स्वर्ण बाधित। तो स्वर्ण बाधिता वे बच्चे जिनको सुनने और समझने में कठिनाई का अनुभव होता है वो बच्चे स्वर्ण बाधित बालकों की श्रेणी में आते हैं। अब उसके बाद आता है बच्चों प्रकार। स्वर्ण बाधित बालकों को दो भागों में बांटा जा सकता है, पूर्ण स्वर्ण बाधित, लिखे ना कॉपी में, दूसरा है आंशिक स्वर्ण बाधित बालक। जो पूर्ण समावेश स्वर्ण बाधित होते हैं वो जन्म जात बहरे होते हैं और गूंगे होते हैं, जो बिल्कुल नहीं सुन सकते, जो बिल्कुल नहीं सुन सकते, जिनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था होती है वो बच्चे इसमें आते हैं, पूर्ण स्वर्ण बाधित के अंतर्गत आते हैं। जो बच्चे जन्म या दुर्घटना के समय पूरी तरीके से सुनने में असक्षम हो गए हैं वो बालक पूर्ण स्वर्ण बाधित की श्रेणी में आते हैं। फिर आता है बच्चों आंशिक स्वर्ण बाधित। आंशिक स्वर्ण बाधित का मतलब होता है कुछ सीमा तक स्वर्ण शक्ति को खो बैठे हैं, कुछ सीमा तक धीमी आवाज को नहीं सुन पाते, कई बच्चे बहुत जोर से बोलने पर उनको सुनाई देता है। तो ये जो चीजें हैं वो आंशिक स्वर्ण बाधिता के अंतर्गत आती है। और जिनमें आंशिक स्वर्ण बाधिता है उन बच्चों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जा सकता है। सामान्य बालक के साथ विशेष प्रशिक्षण सुविधा मुहैया करवाकर इन आंशिक स्वर्ण बाधित बच्चों को पढ़ाया जा सकता है और समावेशी शिक्षा के सपने को साकार किया जा सकता है। बच्चों देखो, तो समझ आया, स्वर्ण बाधिता के दो प्रकार है, पहला है पूर्ण स्वर्ण बाधित और दूसरा है आंशिक स्वर्ण बाधित। पूर्ण स्वर्ण बाधित जन्मजात बहरे व गूंगे होते हैं, जबकि जो आंशिक है वो कुछ सीमा तक जिनमें सुनने की कैपेसिटी क्षमता पहले से कमजोर हो जाती है वो बच्चे स्वर्ण बाधित बालकों के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है कि इन बालकों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जा सकता है। अब आता है कि ध्वनि परिषद के आधार पर भी इन स्वर्ण बाधितों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो हम चार भागों में इसको बांट सकते हैं बच्चों, कम, मंद, गंभीर और पूर्ण। कम, मंद, गंभीर और पूर्ण, जिनका डेसिबल, देखो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है बच्चों डेसिबल, याद रखो, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है डेसिबल। और इस तीव्रता के आधार पर जिनमें 27 से 40 डीबी के मध्य
27 से 40 डीबी के नीचे की अगर वो आवाज को नहीं सुन पा रहे बच्चों, तो इसका मतलब है इतनी आवाज को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो बच्चे कम स्वर्ण शक्ति रखने वाले बच्चे हैं। इन बच्चों को सामान्य स्तर की वार्तालाप करने में कठिनाई नहीं होती है। अगर क्लास में धीमी गति से बोला जा रहा है तो ये बच्चे कठिनाई अनुभव करते हैं। तो ऐसे बच्चों को अगर कक्षा में शोर शराबा नहीं होगा, टीचर की आवाज सही लय में होगी, टीचर बहुत थोड़ा जोर से बोलेगा, तो ये बच्चा अधिगम करने में कठिनाई महसूस नहीं करेगा। इसका मतलब है इन बच्चों को सामान्य बालकों के साथ समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तो 27 से 40 डीबी के मध्य वाले बच्चे कम स्वर्ण बाधित बालकों की श्रेणी में आते हैं। फिर आता है बच्चों मंद। मंद जो स्वर्ण बाधिता है वो ये कहती है कि 40 से 55 डीबी के मध्य की जो कैपेसिटी है उसको नहीं सुन पा रहा है। मतलब यह है कि सामान्य वार्तालाप करने में ऐसे बच्चों को कठिनाई होती है, धीमी गति की बात को बिल्कुल नहीं सुन पाते। ऐसे बच्चों को हम मंद स्वर्ण बाधिता वाले बालक कहते हैं। और अगर कोई बच्चा इस मंद स्वर्ण बाधिता का शिकार है तो उसको स्वर्ण बाधित जो स्वर्ण जो यंत्र है उन उपकरणों का उपयोग अगर किया जाए तो इन बच्चों को भी सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जा सकता है। तो दो प्रकार हो गए, मतलब ये है कम और मंद, इन दोनों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जा सकता है। अब बात आती है बच्चों किसकी, गंभीर। 55 से 70 डेसिबल के मध्य की आवाज को नहीं पहचानने वाले बच्चे गंभीर स्वर्ण बाधित बालकों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे बालक स्वर यंत्रों का उपयोग करके भी, स्वर्ण यंत्र का उपयोग करके भी सुनने में कठिनाई अनुभव करते हैं। ऐसे बच्चों को गंभीर स्वर्ण बाधित वाले बालकों की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। इनको विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, बहुत ऊंचा बोलने पर ही इनको सुनाई देता है। तो ऐसे बालकों को विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाता है, विशेष शिक्षा प्रदान की जाती है। तो गंभीर स्वर्ण बाधिता वाले बालकों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद आता है बच्चों पूर्ण। पूर्ण का मतलब होता है जो बिल्कुल बहरे होते हैं, जन्म जात बहरे होते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनको बधिर कहा जाता है, जिनको क्या कहा जाता है, बधिर। और बधिर जो है कहां पर है, हैदराबाद में, जिसका पहला जो स्वर्ण विद्यालय स्थापित किया गया वो कहां पर किया गया, हैदराबाद में। बधिरों के लिए जो विद्यालय स्थापित किया गया वो हैदराबाद में, और नेत्रहीनों के लिए जो विद्यालय स्थापित किया गया बच्चों वो था देहरादून में। अब बात आती है बच्चों कि 70 से 90 डेसिबल की आवाज को भी अगर बच्चा नहीं सुन पाता तो इसका मतलब है वह पूर्ण स्वर्ण बाधित बालक के अंतर्गत आता है। ये बालक बधिर होते हैं और इन बालकों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि ये बच्चे बिल्कुल भी नहीं सुन पाते हैं, इन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो चार प्रकार मैंने आपको बताए ध्वनि परिसर के आधार पर स्वर्ण बाधित बालकों को चार भागों में बांट सकते हैं, कम, मंद, गंभीर और पूर्ण। कम 27 से 40 डेसिबल, मंद 40 से 55 डेसिबल, गंभीर 55 से 70 डेसिबल और पूर्ण 70 से 90 डेसिबल के मध्य होता है। अब आती है बच्चों कारण कि स्वर्ण बाधित बालक की सुनने की कैपेसिटी कम होने के पीछे क्या कारण है। तो चार कारण बताए, जन्म से पहले के, जन्म के समय और जन्म के बाद। कुछ ऐसे कारण है जो स्वर्ण बाधिता के कारण माने जाते हैं। जन्म से पूर्व अनुवांशिक कारण, अगर किसी बच्चे के माता पिता बधिर है तो उस बच्चे का बधिर होना उसका अनुवांशिक दोष माना जाता है। हो सकता है उसका बच्चा भी अनुवांशिक हो। कई माँ बाप के द्वारा या माता के द्वारा गलत दवाइयां लेने की वजह से भी बच्चा बधिर
हो जाता है। संक्रमण और छुआछूत के कारण भी बच्चे के बधिर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, बच्चा स्वर्ण बाधित हो सकता है। जन्म के समय अगर ऑक्सीजन की कमी है, बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो भी वो स्वर्ण बाधित हो सकता है। प्रसव के दौरान डॉक्टर के द्वारा औजार का उपयोग अगर सही ढंग से नहीं किया गया तो उसके कान में लग सकती है और उसकी स्वर्ण शक्ति कमजोर हो सकती है। तो प्रसव के दौरान औजारों का उपयोग और ऑक्सीजन की कमी भी स्वर्ण बाधिता का कारण हो सकता है। एनेस्थेसिया की जो दवाई दी जाती है उससे भी कई बार कान सुन्न पड़ जाते हैं और बच्चे की सुनने और समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है। तो जन्म के समय ये कारण है, ऑक्सीजन की कमी, प्रसव के दौरान डॉक्टरों के द्वारा औजारों का उपयोग, एनेस्थेसिया जैसी दवाइयों का उपयोग। ठीक है बच्चों, जन्म के बाद यदि चेचक का आ जाना, खांसी और खसरा, इन बीमारियों से भी स्वर्ण शक्ति कमजोर होने का कारण बन जाता है। तो ये स्वर्ण बाधिता बालक की स्वर्ण बाधिता के तीन कारण हैं, जिनके तीन आधार हैं, जन्म से पूर्व, जन्म और जन्म के बाद। जन्म से पूर्व में आनुवंशिकी, दवाइयां, रूबेला, संक्रमण या छुआछूत है। इसके बाद आता है जन्म के समय ओटू की कमी, प्रसव के औजार, एनेस्थेसिया, दवाइयां, ये सब भी जिम्मेदार है। जन्म के बाद चेचक, खांसी और खसरा, ये भी जो है आपके स्वर्ण बाधित बालक होने के पीछे कारण हो सकते हैं। अब बात आती है इन स्वर्ण बाधित बालकों की शिक्षा की क्या क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। तो देखो बच्चों, स्वर्ण बाधित बालकों के लिए समन्वित कक्षा कक्ष, अभी आपने देखा कम वैभव, कम जिनकी स्वर्ण बाधिता शक्ति है कि वो सामान्य वार्तालाप कर पा रहे हैं, धीमी गति से वार्तालाप को नहीं सुन पा रहे, तो बच्चे का उस ज्ञान करके आगे की रूम में बिठा करके हम सामान्य बालकों के साथ और यहाँ पर स्वर्ण यंत्र जो है उनका उपयोग करके इन दोनों बालकों को समन्वित कक्षा कक्ष में सामान्य बालक के साथ बिठा करके शिक्षा दी जा सकती है। बच्चों, नियमित विद्यालय में विशेष शिक्षा। अब आप जानते हो कि मंद स्वर्ण क्षमता वाले जो बालक है उनके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जा सकता है। कभी कई बार कक्षा में बहुत शोर शराबा होता है, वो बच्चे नहीं सीख पाते, उनकी अधिगम क्षमता में कठिनाई हो रही है, तो उस बच्चे को अलग से शिक्षक द्वारा पढ़ा करके भी उस बच्चे को उस लेवल का बनाया जा सकता है जिस लेवल का एक सामान्य बालक होता है। तो नियमित विद्यालय में विशेष शिक्षा प्रदान करके भी स्वर्ण बाधित बच्चों को शिक्षा अवेलेबल करवाई जा सकती है। फिर है विशेष विद्यालय। अब आपने देखा कि जो गंभीर डेसिबल वाले जो बच्चे हैं उन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत ऊंचा बोलने पर ही उनको सुनाई देता है। तो इन बच्चों के लिए हमें विशेष विद्यालयों की क्या करनी पड़ेगी, व्यवस्था करनी पड़ेगी। आवासीय विद्यालय में आपके पूर्ण और गंभीर बालकों को रखा जाता है, जिन्हें इस तरह के क्रियाकलाप करवाए जाते हैं, इस तरह की व्यावसायिक गतिविधियां करवाई जाती है ताकि वो आगे जाकर के अपना जीविकोपार्जन कर सके। तो आवासीय विद्यालयों में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, दैनिक कार्यकलापों को सिखाया जाता है, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि बच्चा स्वर्ण बाधित होने के बाद भी समाज में जो सामान्य जीवन है वो जी सके, इसके लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाती है। तो स्वर्ण बाधित बालकों की शिक्षा के लिए चारों प्रकार के विद्यालय स्थापित किए गए हैं, समन्वित कक्षा कक्ष, नियमित विद्यालयों में विशेष शिक्षा, विशेष विद्यालय और आवासीय विद्यालय। इन माध्यमों से स्वर्ण बाधित बालकों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अब उसके बाद आता है बच्चों क्या सामान्य शिक्षण प्रक्रिया में योगदान। सामान्य शिक्षण प्रक्रिया में किस प्रकार हम जो कम व मंद स्वर्ण बाधिता वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। बच्चों, तो देखो,
सामान्य शिक्षण प्रक्रिया में आप सबको पता है, हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे को जब मौखिक संप्रेषण दे रहे हैं, जैसे मैं आपको कौन सा संप्रेषण दे रही हूँ, मौखिक संप्रेषण। लेकिन अगर मौखिक संप्रेषण के साथ चित्र, नमूना, मानचित्र और ये लिखा हुआ अगर मेरी बात सुनाई भी नहीं दे रही होगी तो आप क्या करोगे, इस लिखे हुए को पढ़ लोगे, समझ लोगे। तो चित्र के माध्यम से, नमूने के माध्यम से, चलचित्र के द्वारा, मॉडल के द्वारा, इन सब के द्वारा बच्चे को दृश्य उद्दीपक दिखाए जाने चाहिए। उसको टीवी दिखाना चाहिए, उसको नमूने, मॉडल, पारदर्शक, ये सारी चीजें दिखाई जानी चाहिए ताकि बच्चा अच्छा अधिगम कर सके। जो बच्चे ढंग से नहीं सुन पा रहे हैं उनको दृश्य अधिगम के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। फिर आता है शिक्षक को बीच बीच में प्रश्न पूछना चाहिए। ये प्रश्न पूछना तो सामान्य बालकों के साथ भी करना चाहिए, लेकिन जब पता चले शिक्षक को कि हम मेरी क्लास में दृष्टि बाधित बच्चा है तो बार बार में उससे प्रश्न पूछना चाहिए ताकि उससे पता चल जाए कि शिक्षक ने जो पढ़ाया है उस बच्चे ने समझा है या नहीं समझा। अगर बच्चा आंसर देता है इसका मतलब है कि शिक्षक की बात को उसने अधिगम कर लिया, और अगर वो जवाब नहीं देता है तो इसका मतलब है उसने अधिगम नहीं किया। बच्चों तो क्या समझ में आया, शिक्षण के बीच बीच में प्रश्न पूछना चाहिए। इसके अलावा कक्षा कक्ष शांत होना चाहिए, शोर मुक्त होना चाहिए, क्योंकि कम और जो आपके मंद डेसिबल वाले जो बच्चे हैं अगर थोड़ा सा भी शोर शराबा होगा तो उनको सुनने में क्या होगी बच्चों, कठिनाई होती है। अतः शिक्षक को यह समझना चाहिए कि कक्षा का वातावरण हमेशा शांत होना चाहिए। शांत वातावरण होगा तो बच्चा अच्छे से अधिगम कर पाएगा, उसकी एकाग्रता रहेगी, बच्चे की अवधान स्थिति अच्छी रहेगी, उसकी सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है उसमें कम से कम बाधा पैदा होगी। तो दो तीन पॉइंट समझे हमने, पहला मौखिक संप्रेषण में दृश्य उद्दीपकों का क्या लेना चाहिए, सामान्य कक्षा में उपयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद आता है कक्षा कक्ष शांत व शोर मुक्त होना चाहिए। व्यवहार के आधार पर पहचान। अब आप देखो कि बच्चा बार बार में बोल रहा है कि सर आपने क्या बोला, बच्चा बार बार में आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है, बच्चा आपके मौखिक जब आप उच्चारण कर पा रहे हो तो भी उच्चारण सही तरीके से नहीं आ रहा, कर पा रहा, शब्दों को बार बार गलत बोल रहा है, शब्दों को समझ नहीं रहा है, तो उस व्यवहार को शिक्षक को समझना होगा, तभी वो सामान्य शिक्षण प्रक्रिया में स्वर्ण बाधित बालकों को शामिल कर सकता है। आगे की सीटों पर बिठाना, मैंने आपको बताया था कक्षा का वातावरण शांत होने के साथ साथ बच्चों जो कि स्वर्ण बाधित है कम सुनते हैं उनको आगे की सीटों पर बिठाया जाना चाहिए। सामान्य आगे की सीटों पर बिठाना चाहिए, व्यवहार के आधार पर पहचान करनी चाहिए, कक्षा कक्ष का वातावरण शांत और शोर मुक्त होना चाहिए, शिक्षण के बीच बीच में बच्चे को प्रश्न पूछना चाहिए, मौखिक संप्रेषण करते समय दृश्य उद्दीपकों का सहारा लेना चाहिए। इसके अलावा भी जो बच्चे ढंग से सुन नहीं पा रहा है उसके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। समय समय पर चिकित्सकीय परामर्श, समय समय पर चिकित्सकीय क्या लेना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए। उसकी सुनने की जो मशीन है, सुनने की मशीन को क्या करवाना चाहिए, चेक करवाया जाना चाहिए। बच्चे की बार बार में मेडिकल जांच करवाई जानी चाहिए, क्या करवाई जानी चाहिए, मेडिकल जांच करवानी चाहिए, चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए, विशेष प्रशिक्षण उनको उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। उनको बहुत सारी खेल कूद है, वाद विवाद है, निबंध है, चित्रकला है, इन सब में उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि उस बच्चे में हीन भावना का विकास ना हो सके। तो बच्चों ये समझ में आया कि सामान्य शिक्षण प्रक्रिया में स्वर्ण बाधित बालकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो मौखिक संप्रेषण दृश्य उद्दीपकों के साथ, शिक्षण के बीच बीच में प्रश्न पूछना चाहिए, कक्षा कक्ष के वातावरण को शांत और शोर मुक्त रखा जाना चाहिए,
व्यवहार के आधार पर बच्चों की पहचान की जानी चाहिए कि कौन सा बच्चे में कम स्वर्ण बाधिता है, किसमें मंद है और किस बच्चे में गंभीर स्वर्ण बाधिता का दोष विद्यमान है। आगे की सीटों पर उन बच्चों को बिठाया जाना चाहिए ताकि वो आसानी से शिक्षक की बात का अधिगम कर सके। और इससे पहले हमने स्वर्ण बाधित बालकों के प्रकार पढ़े थे। स्वर्ण बाधित बालकों के प्रकार के दो प्रकार पढ़े थे हमने, पूर्ण स्वर्ण बाधित और दूसरा पढ़ा था आंशिक स्वर्ण बाधिता। पूर्ण स्वर्ण बाधिता जो जन्मजात बहरे होते हैं, और आंशिक में पढ़ा था कुछ सीमा तक जो क्या होते हैं, सुनने और समझने में कठिनाई होती है, इनको सामान्य बालकों के साथ बिठाया जा सकता है। जबकि जो बिल्कुल नहीं सुन सकते उनके लिए आवासीय विद्यालय और विशेष विद्यालयों की स्थापना की जाती है। उसके बाद आता है ध्वनि परिसर के आधार पर इन बालकों को चार भागों में बांटा जा सकता है, कम, मंद, गंभीर और पूर्ण। और बधिरों के लिए जो विद्यालय स्थापित किया गया था वो था हैदराबाद में। स्वर्ण बाधित बच्चों के लिए समन्वित कक्षा कक्ष जिसमें सामान्य बालक और इन स्वर्ण बाधित बालकों को एक साथ विशेष आवश्यकताओं पूरी करके यहाँ पर बिठाया जा सकता है। जिनमें कम स्वर्ण बाधिता का दोष है, जिनमें मंद स्वर्ण बाधिता का दोष है, उन दोनों बच्चों को इनके साथ में बिठाया जा सकता है। फिर है नियमित विद्यालयों में विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाकर इन बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। विशेष विद्यालय जो गंभीर स्वर्ण बाधिता वाले बच्चे हैं, जो ऊंचा, बहुत ऊंचा बोलने पर जिनको सुनाई देता है, या पूर्ण रूप से जो विशेष विद्यालयों में उनको दाखिला दिया जाना चाहिए। आवासीय विद्यालयों में गंभीर और पूर्ण जो स्वर्ण बाधिता वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पर रखा जाना चाहिए। तो चार प्रकार के समन्वित कक्षा कक्ष, नियमित विद्यालय में विशेष शिक्षा, विशेष विद्यालय और आवासीय विद्यालय, ठीक है। इसके बाद अपन ने स्वर्ण बाधिता के कारण पढ़े, जन्म से पूर्व, जन्म के समय और जन्म के बाद। जन्म से पूर्व में आनुवांशिकी, माता पिता की आनुवांशिकी का भी से भी बच्चा स्वर्ण बाधित हो सकता है, कुछ दवाइयां लेने के कारण, संक्रमण या छुआछूत के कारण। इसके बाद आता है जन्म के समय अगर ऑक्सीजन की कमी है, प्रसव के दौरान डॉक्टर के द्वारा औजारों का गलत तरीके से उपयोग किया गया है, एनेस्थेसिया दवाइयों देते समय कई ऐसी प्रॉब्लम्स अगर हुई है तो भी बच्चा स्वर्ण बाधित हो सकता है। इसके अलावा जन्म के बाद चेचक, खांसी और खसरे जैसी अगर बच्चे को बीमारी है बच्चों, तो भी वो स्वर्ण बाधिता का शिकार हो सकता है। तो आज हमने स्वर्ण बाधित बच्चे कौन से होते हैं, स्वर्ण बाधित बच्चों के कारण और उनके उपाय, स्वर्ण बाधित बच्चों की शिक्षा और सामान्य शिक्षण प्रक्रिया स्वर्ण बाधितों को किस तरीके से दी जाएगी, इन सब के बारे में पढ़ा। हमने दो टॉपिक्स आज क्लियर करे, एक तो कौन सा, एक तो दृष्टि बाधित बालक और दूसरे बालक हमने कौन से पढ़े बच्चों, हमने स्वर्ण बाधित बालकों के बारे में पढ़ा था। अब जो तीसरा टॉपिक आएगा बच्चों शारीरिक विकलांगता में, वो आपके आएगा बच्चों कौन सा, अस्थि बाधित बालक। कौन से बच्चे आएंगे, अस्थि बाधित बालक। हमने दो प्रकार आपके पढ़ लिए हैं, कौन कौन से, दृष्टिहीन और स्वर्ण बाधित। अब जो तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों अस्थि बाधित। अस्थि बाधित का मतलब समझ ही गए होंगे, शरीर का किसी भी अंग का, अगर किसी अंग का टूटना, किसी अंग का नहीं होना, ये सब अस्थि बाधिता के अंतर्गत आते हैं। तो अस्थि बाधिता के प्रकार इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। अस्थि बाधिता बालक, वाणी बाधित बालक, वाणी बाधित बालक, दृष्टि बाधित बालक और आपका चौथा है स्वर्ण बाधित बालक। ये चारों जो बालक है बच्चों वो शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत आते हैं। कौन सी विकलांगता के अंतर्गत, शारीरिक विकलांगता। और जिन बच्चों में शारीरिक विकलांगता होती है उन बच्चों को विशिष्ट सुविधाओं की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर इन बच्चों को विशिष्ट सुविधाएं, विशेष तकनीकी शिक्षण आव्यूह, विभिन्न शिक्षण कौशल, तकनीकी
प्रविधियों, तकनीकी प्रविधियों, इन सब के माध्यम से इन बच्चों को क्या कर सकते हैं, शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जा सकता है। अगर इन बच्चों को हम सामान्य बालकों के साथ पढ़ाएंगे तभी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, समावेशी शिक्षा के सपने को साकार कर सकते हैं, समावेशी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, बच्चों का समावेशन कर सकते हैं। और समावेशन करने के लिए अगर बच्चे का सर्वांग समावेशन होगा तभी बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। कौन सा विकास होगा बच्चों, बालक का सर्वांगीण विकास होगा। तो समझ में आया। और इस विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको हम तीन बिंदुओं से समझ सकते हैं, ये आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाती रहूं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें, कमेंट्स दें। और जो मैंने आपको स्वर्ण बाधित बालकों की शिक्षण प्रक्रिया के जो बताए हैं कि जब एक टीचर क्लास में हो रहा होता है तो स्वर्ण बाधित बालकों को शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए उनको किन किन चीजों उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, इनको आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं बच्चों, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाती रहूं तो मेरे वीडियो को ध्यान से सुने, मैंने जो आपको ब्लैक बोर्ड पर जो नोट्स लिखवाए हैं उनको ध्यान से लिखे, ध्यान से कॉपी में लिखे और इनको पढ़ते रहिए। आपके BSTC एग्जाम में, BEd के एग्जाम में, आपके CTET के एग्जाम में ये जो स्वर्ण बाधित बालक, दृष्टिहीन बाधित बालक है, ये जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों का जो टॉपिक है, समावेशी बालकों का जो टॉपिक है, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाती रहूं तो लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।